कानपुर नगर से है। एमराल्ड गार्डन के क्लब लाइम में रोटरी क्लब कानपुर ग्रीन के द्वारा शहर के कई गणमान्य शिक्षकों को नेशनल बिल्डर्स अवार्ड व शहर के नामचीन सेवाभावी डॉक्टरों को रोटरी ग्रीन सेवाश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीपीएन एंड डिग्री कॉलेज कानपुर के पूर्व प्रधानाचार्य व प्रख्यात शिक्षाविद निर्मल कुमार सक्सेना रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शान्या शर्मा ने मनमोहक भजन प्रस्तुत करके करी। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन अमित अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, आदिकाल में डॉक्टर्स व शिक्षक धरती में भगवान के स्वरूप हैं, परंतु वर्तमान में कोरोना काल में जिस तरह से दोनों ने कार्य किया है, इनका सम्मान और भी बढ़ गया। उन्होंने क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। अग्रवाल, रोटरी क्लब कानपुर ग्रीन का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोग यहाँ पर अपने जो है शिक्षकों और अपने जो है धरती में भगवान स्वरूप कहे जाने वाले डॉक्टर्स का सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्लब रोटरी क्लब लगातार ऐसे प्रोग्राम करता रहता है। आज से पहले जो है हम लोगों ने हमारा रोटरी वर्ष एक जुलाई से स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोगों ने कन्याश्री योजना के तहत 2000 साइकिल से ऊपर जो है दान की थी, जिसमें कि हमारे क्लब ने 20 साइकिलें अपनी ओर से दान करी थी। इसके बाद हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था, जिसमें 2000 हम लोगों ने झंडे घर घर जाके बांटे थे। और उसमें जो है लगातार एक हफ्ते तक हम विभिन्न प्रोग्राम्स जो हैं अपने द्वारा जो है जो स्कूल हम लोगों ने जो गोद लिया हुआ है नगर निगम बालिका विद्यालय, उसमें जो है हम लोगों ने उनके साथ में उनके सहयोग से उनकी जो है बेहद जो है बुरी छात्राओं के साथ में यह प्रोग्राम हम लोगों ने लगातार 6 से 7 दिन किया। उसके उपरांत जो है आज हम लोग जो है यहाँ पे डॉक्टर्स डे। और कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।